ओम साई राम, जय साई राम। हैप्पी दीपावली। बाबा आपको खुश रखे, आपके घर में सुख समृद्धि हमेशा रहे। और हम लोग आए लोधी रोड मंदिर, दीपावली का शुभ अवसर है और इन माँ जी के लिए सबके लिए साड़ियाँ लेके आए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इनकी हम लोग हेल्प करें, आप और हम सब मिलकर इनकी हेल्प करते हैं। तो आइए साड़ी वितरण करते हैं इनको। और आप देख पा रहे हैं बहुत प्यारी प्यारी साड़ियाँ हैं, और लाइट साड़ी मांगी थी इन्होंने, क्योंकि यहाँ रोज़ पहननी होती है इन लोगों को, किस तरह से अपने घर का बसर करती हैं। तो माँ जी ये मीठा है, प्लीज़ आप खा लीजिए। और मुझे बहुत खुशी हो रही थी, कहते हैं छोटी छोटी खुशियाँ देने में ही हमें खुशी मिलती है। तो ये सभी माँ जी खड़ी हुई हैं, सबके लिए हम कुछ ना कुछ लेके आए हैं। तो ये साड़ी इन माँ जी को बहुत पसंद आई, ये लीजिए माँ जी। और ये थोड़ा सा मीठा भी खा लीजिए, थोड़ा सा ये लो आप अपने हाथ में लो। तो और भी बहुत सारी साड़ियाँ हैं जो हम लोग इनको दे रहे हैं माँ जी को। और ये बहुत सुंदर साड़ी है, बहुत प्यारी साड़ी है, रेड कलर की। और ये हम माँ जी के लिए दे रहे हैं, इसमें ब्लाउज पीस वगैरह सब है। बहुत सुंदर साड़ी है, तो आप देख सकते हैं। बोलिए साईनाथ महाराज की जय। और आप देख सकते हैं ये सेवा हमारी कनाडा से श्रुति जी हैं, उनकी तरफ से ये हेल्प है इन ज़रूरतमंद लोगों के लिए। उन्होंने दीपावली पर साड़ियाँ, बच्चों के कपड़े वगैरह भेजे हैं। साई गीता ट्रस्ट ऐसे ही कार्य करते हैं और वो इस ट्रस्ट में हमारा सहयोग देती हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और आप देख सकते हैं इनके कपड़े किस तरह के फटे हुए कपड़े हैं। तो आप लोग जितना हो सके इनकी मदद करें, जितना हो सके इनके लिए जो हो सकता है। कहते हैं ना कि एक दूसरे का सहारा बनना है, ठीक है। अगर हम इनकी हेल्प करेंगे तो प्रभु हमारी हेल्प करेंगे। तो आप लोगों के जरिए हम लोग इनकी हेल्प कर पाते हैं। तो ये भैया को हम टी शर्ट दे रहे हैं, जो ये टी शर्ट है आप देख सकते हैं। देखना भैया आपको आएगी, पहन के देखना, पहनना भैया, इसको खोल दीजिए। ये पहनना, इसको उतार लो, इसको उतार के और आप देख सकते हैं। देखिए बिल्कुल फिट आई है भैया को टी शर्ट। और हम ज्यादा से ज्यादा ये आप देख सकते हैं, कैमरा घुमा देना, आप देख सकते हैं सभी लोग मजबूर लोग हैं यहाँ, जिनको जरूरतमंद लोग हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं जितने भी यहाँ जिनको चीजों की जरूरत है, मजबूर लोग हैं, उन तक हम ये सारी चीजें पहुँचाएं। तो इन भैया को टी शर्ट पहुँचाइए, अभी देखते हैं कि आप किस भैया को पहनाएंगे। तो आइए दूसरे भैया को देखते, ठीक है भैया। जय साई राम भैया, साई राम भैया। तो आप देख सकते हैं ये भैया हैं जिन्होंने शर्ट भी नहीं पहन रखी, और इनके लिए हम ये टी शर्ट दे रहे हैं। लो भैया पहनो, पहनो। और हम लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो जरूरतमंद लोग हैं, जो जिनको चाहिए उनको हम ये कपड़े पहुंचा सके। तो ये साई गीता ट्रस्ट यही सारे कार्य करता है कि जो गरीब लोग हैं, मजबूर लोग हैं, उन तक ये कपड़े या अन्नदान या जो भी खाने पीने की चीज है इन तक पहुंच पाए। वाह भैया, बोल साईनाथ महाराज की जय। गीता कहीं ओम साई राम। हाँ इसी के ऊपर पहन लेंगे, थैला पकड़ लो, ऐसे कर लीजिए। और ये देखिए ओम साई राम, जय साई राम। और ये भैया विकलांग है, तो हम चाहेंगे कि इनके लिए रिक्शे या किसी भी चीज का इंतजाम होना जरूरी है। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल विकलांग हैं, तो हम ज्यादा से ज्यादा इनकी हेल्प करना चाहते हैं। पहले भी हमने कुर्सियां बांटी थी उन लोगों को जो बिल्कुल विकलांग हैं, तो अभी हम कपड़े वितरण कर रहे हैं, लेकिन हम ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के सहयोग से हम लोग कपड़े वितरण कर रहे हैं। तो भैया पहनिए आप अपने हाथ पहन जाते हो आ गई। और देखिए भैया को भी पूरी टी शर्ट आ गया, ऑन कर लिया था। और हम
उस जगह पर पहुंच गई जहां बहुत सारे बच्चे मायूस बैठे हुए थे, खड़े हुए थे। दीपावली का दिन था, लेकिन इनके मन में भी थी कि हम नए कपड़े पहने, लेकिन इनके मम्मी पापा नए कपड़े नहीं दिला पा रहे, क्योंकि घर का गुजर बसर कैसे करते हैं, मांग मांग कर करते हैं, तो ये नए कपड़े नहीं पहन पाते। लेकिन जब मैंने इनको बताया कि मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेके आई हूँ, तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए, इतनी ज़्यादा खुश हो गए, आप देख सकते हैं इनकी खुशी इनके चेहरे पर झलक रही है। छोटी छोटी खुशियाँ देने से अपने आप को खुशी मिलती है कि हाँ, हम किसी की हेल्प कर पा रहे हैं। और आप देख सकते हैं किस तरह से बच्चे खुश हैं, और इसने कपड़े पहन लिए हैं, बिटिया ने, बस इतनी ज़्यादा खुश हो रही थी, बार बार मुझसे कह रही थी थैंक यू दीदी, थैंक यू थैंक यू। मैंने कहा नहीं बाबू, ये सब तुम्हें बाबा ने भेजे हैं, तुम मंदिर के बाहर रहते हो। और ये देखिए, ये फ्रॉक है, एक और फ्रॉक है इस बिटिया के लिए पहनाते हैं, इसको आ जाएगी पूरी। और ये भी आस लगाई हुई थी कि मैं, मुझे भी मिल जाए, और देखो उसको भी पूरी पूरी फ्रॉक आ रही है। और मैं अंदाजे से, हम लोग के पास आई हैं अंदाजे से, और ये सब श्रुति जी कनाडा में जो रहती हैं, उन्होंने हमें भेजी हैं साईं गीता ट्रस्ट की तरफ से, और श्रुति जी कनाडा में जो रहती है उनकी तरफ से ये सभी सामान वितरण किया जा रहा है उन बच्चों को, जो बच्चे बेसहारा हैं या फिर जो ज़रूरतमंद बच्चे हों। और ये आप देख सकते हैं उस बच्ची को, ये मेंटल डिस्टर्ब है बचपन से, लेकिन इसको इतना पता है, जब मैंने इसको फ्रॉक इसने देखी तो इतनी ज़्यादा खिलखिला के हंस रही थी, इसको इतनी खुशी हो रही थी कि देखो आप देख सकते हैं कितनी हंस रही है। और उसे पता है कि मुझे नए कपड़े मिलने वाले हैं, और इस आस में वो मेरे पास हंसती हुई आई, और मैंने फटाफट उसको कपड़े पहनाए, और इतनी ज़्यादा खुश हो गई। तो इन बच्चों की छोटी छोटी खुशियाँ हमें उत्साहित करती हैं, हमें ये सिखाती हैं कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। अगर किसी के ज़िंदगी में अगर हम थोड़ी सी खुशी ले आते हैं, तो हमारी ज़िंदगी भी खुशियों से भर जाती है। तो ये देखिए, ये सभी बच्चे हैं, और भी बच्चे हैं, अभी हम और भी बच्चों को टी शर्ट वगैरह पहनाएंगे, बाकी सभी को हमने पहना दिए देखिए। और सभी बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे कपड़े पहनकर, और एक दूसरे को देख देख के खुश हो रहे थे कि इसने ऐसी फ्रॉक पहनी, इसने ऐसी, बस इतने खुश थे। बस मेरा दिल ऐसा कर रहा था कि बस इन बच्चों की हमेशा सहायता करती रहूं, आप लोगों के सहयोग से हम ये कार्य कर पाते हैं। और आइए इन बच्चों को अभी चॉकलेट वितरण करते हैं, चॉकलेट देते हैं इनको। पहले इसको टी शर्ट पहना दें बच्चे को, और इसके साइज की टी शर्ट मिल गई हमें, लेकिन ये छुटकू बच्चू है, इसके साइज का नहीं आ पाया था, और हम सोच रहे थे ये इसको आ जाएगी, लेकिन इसको बहुत बड़ी थी। लेकिन कोई बात नहीं, अभी इसके लिए भी हम और ले आएंगे कपड़े, अभी और एक दिन आके वितरण करके जाएंगे। और आप देख सकते हैं बच्चे कितने ज़्यादा खुश हैं, और बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है, सभी बच्चे यहाँ पर खुश हैं। और आप देख सकते हैं सभी को हम लोग देखिए कितने खुश हैं, और इन सभी के लिए हम चॉकलेट्स लेके आए हैं बहुत सारी, और इन बच्चों को चॉकलेट बांटेंगे, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे चॉकलेट खाना पसंद करते हैं, और इन लोगों को हमने चॉकलेट कपड़ों के साथ साथ चॉकलेट वितरण करी, और बहुत ज़्यादा खुश हैं, और सभी लोग बहुत खुश हैं साड़ी पाकर। और जो विकलांग भाई थे या जो ज़रूरत भाई थे, उन लोगों को कपड़े दिए तो वो बहुत ज़्यादा खुश थे। तो ऐसे ही हम और आप लोग मिलकर ऐसे अच्छे और नेक कार्य करते रहे। और बाबा ओम साई राम, जय साई राम। और ये हमारी माँ जी हैं जो लोधी रोड पर बैठती हैं, और हमेशा इनको देखिए, ये साड़ी नहीं पहनती है, इनको साड़ी नहीं दी गई है, ये सूट पहनती हैं, आप देख सकते हो ये सूट पहने हुए हैं।
तो इनके लिए हम सूट की व्यवस्था करेंगे, सूट इनके लिए लेके आएंगे, ज्यादा से ज्यादा सूट लेके आएंगे, क्योंकि काफी लोग जो हैं सूट पहनते हैं, कुछ लोग साड़ियाँ पहनते हैं, तो जिन जिन्होंने साड़ी लेनी थी उनको हम साड़ी वितरण कर चुके हैं, लेकिन इनके पोते वगैरह हैं उनके लिए ये टी शर्ट वगैरह जा रही हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ इनको मिलना जरूरी है, तो अभी सूट की व्यवस्था करेंगे तो इनको सूट दिया जाएगा। जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा मदद करें, अगर आप मदद करेंगे तो इनको सहारा मिलेगा, आप लोगों के जरिए इन तक सामान पहुंचाया जाता है, इन तक सब चीजें पहुंचाई जाती हैं। तो और ये हमारे साथ है गुड़िया, और गुड़िया मतलब यहाँ लोधी रोड मंदिर पर ही रहती है, बहुत टाइम हो गया रहते हुए, लेकिन बाबा की कृपा से अभी मेरे साथ है, और बाबा बस इसकी हेल्प करें। ये मंदिर पर कहते हैं ना कि अगर कोई ज़रूरतमंद है तो उनकी मदद करनी चाहिए, तो इसके पापा हैं और उनके लिए हम ये टी शर्ट लेके आए हैं, और इसके लिए अभी सूट लेके आएंगे, और बाबा इसके ऊपर कृपा करें इसके लिए सूट, अगर आप लोग की लोगों की मदद करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस गुड़िया की मदद ज़रूर करें, क्योंकि ये ज़रूरतमंद है। लोधी रोड पर कितने साल हो गए बच्चा? कम से कम ज्यादा ही हो गया, मुझे याद नहीं है, मतलब बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम तो बहुत टाइम हो गया गुड़िया को यहाँ पर, तो बस 35 साल, अच्छा 35 साल हो गए गुड़िया को, और देखो बाबा के चरणों में है गुड़िया, और कहते हैं कि अब ये जितनी भी वीडियो बनाएगी गुड़िया ही हमारे साथ काम करेगी, इसको सिखाना पड़ेगा थोड़ा बहुत, लेकिन वो सीख जाएगी, उसके अंदर इतना टैलेंट है कि वो सीख जाएगी, सब कुछ सीख जाएगी। तो बस बाबा हम इनसे अगर जुड़े हैं या ये हमसे जुड़े हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इनकी मदद करें। तो सभी को ओम साई राम, जय साई राम।